हमारी संविधान सभा इसी शानदार भवन के सेंट्रल हॉल में बैठा करती थी, जिसके इस गोल गलियारे में 144 स्तंभ हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं? कहा जाता है कि भारत का संविधान 3 सुतूनों पर टिका हुआ है। द 3 पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी आर द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। वैसे आजकल एक चौथा सुतून भी माना जाता है, मीडिया। सबसे पहले सन 1942 में समाजवादी अर्थशास्त्री और गुजराती नाटककार प्रोफेसर के टी शाह ने संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका की इस त्रिवेणी की बात अपने एक नोट में की थी। प्रिय राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा आपसे वादा था, मैं आपको संविधान के जनरल डायरेक्टिव्स के बारे में एक दस्तावेज भेज रहा हूं, जो पिछले जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे मैंने तैयार किया है। इसमें अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच तीनों संविधानों को एक आदर्श के रूप में लेने की कोशिश है। सरकार के कार्यकलाप और संघ के दूसरे अंगों के काम को भी अलग और स्पष्ट करने की चेष्टा मैंने की है। संघ के इन 3 स्तंभों में से प्रत्येक का एक पृथक और स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होना ही चाहिए। जैसा प्रोफेसर केटी शाह ने कहा, संविधान सभा के सामने कई मॉडल्स थे। ब्रिटेन की कैबिनेट सरकार, स्विट्जरलैंड की सीधी चुनी गई कार्यपालिका और अमेरिका का राष्ट्रपति मूलक शासन तंत्र। ऐसे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव को बुला भेजा। आइए आइए राव साहब, बैठिए। थैंक यू सर। अरे सर तो आप हैं, सर बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा ये बताइए कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने संविधान को इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान के आधार पर ही बनाएं? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। There are several other models that we have with us, including those of Canada, Ireland, South Africa. But we need to study them all carefully and according to our context and needs, choose those aspects which we can incorporate in our constitution. Exactly. I couldn't agree with you more. लेकिन आपकी तरह सब लोगों को, यहाँ तक कि हमारे अच्छे वकीलों को भी दुनिया के संविधानों के बारे में मालूमात कहाँ है? Yes, sir. That is why I thought of drafting a questionnaire, which we will send out to all our members, asking for their written opinion about the rights and the formation of the executive, and also begin telling them about the choices made by other countries. बल्कि इस क्वेश्चनेयर से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों के ख्यालात का भी पता चलेगा, और तब हो सकता है जून 48 तक हम संविधान के काम को पूरा भी कर पाए। यस सर, आई विल इमीडिएटली बिगिन ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर एंड सेंड इट आउट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। थैंक यू। 17 मार्च 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी एन राव ने 27 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई। इसमें हर तरह के सवालों के साथ दुनिया भर के संविधानों के उदाहरण भी सामने रखे गए थे, जैसे क्या राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है सवाल के साथ लिखा था अमेरिका में रूजवेल्ट के अपवाद के अलावा, जिन्हें 4 बार चुना गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल 2 बार हो सकता है। वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार ही नहीं है, और आयरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल 1 और बार हो सकता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं और संविधान सभा के सदस्यों को ये प्रश्न पत्र भेजा गया। What should be the designation of the head of the Indian Union? It should be president. No, Rashtrapati. Sounds more Indian. It is president for me. What should be his term in office? It should be 4 years. 6, I think. Should he be eligible for re-election? Yes, but not for more than 2 consecutive terms like in United States of America. Yes, but for a further period of not more than 3 years. What should be the nature and type of the Union Executive? British, that is parliamentary, or American, which is presidential, or Swedish, which is a mixture, or something else? Parliamentary, of course.
For once, I agree with you. Parliamentary. Parliamentary it is. Sirf do jawab. Yes, sir. From Dr. Shama Prasad Mukherjee of Bengal and Sardar K.M. Panikkar of Travancore and seven more from the provinces. लेकिन राव साहब ऐसी हालत में हम कॉन्स्टिट्यूशन के खाके को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? Don't worry, sir. I will immediately start drafting a memorandum for the union constitution. और साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस के ड्राफ्ट भी तैयार करने पड़ेंगे. देख लीजिएगा, एक बार ढांचा बनने के बाद सब लोग नुक्ताचीनी करने खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में कोई सामने नहीं आएगा. राव साहब चाहते थे कि प्रेसिडेंट को पूरे राष्ट्र द्वारा एक सार्वजनिक चुनाव से इलेक्ट किया जाए, पर उनकी ये तजवीज मानी नहीं गई. उसी समय श्री अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर और श्री गोपाल स्वामी अयंगार ने भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जिसमें राष्ट्रपति को बहुत से अधिकार दिए गए. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त करने, संसद द्वारा पारित बिलों को वापस कर देने और मंत्रिपरिषद के कहने पर लोकसभा को भंग करने जैसे अधिकार पहली बार सामने आए थे. इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का बनाया प्रारूप 21 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा. पहले क्लॉज का पहला हिस्सा यूं रहेगा, फेडरेशन यानी राज्य संघ का मुखिया होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जिनका चुनाव इस तरीके से होगा कि राष्ट्र संसद के दोनों सभाएं और तमाम इकाइयों और सूबों के लेजिस्लेचर्स के मेंबरान और जहां की इकाइयों में एक से ज्यादा चेंबर है वहां सिर्फ लोअर हाउस के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेंगे. इकाइयों में समानता लाने की गर्ज से इकाइयों के लेजिस्लेचर्स के वोटों को उनकी आबादी के हिसाब से ही वजन दिया जाएगा. द वोट्स शैल बी वेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिट्स कंसर्न. अब जनाब, एक मुद्दा जिसके बारे में हमें शुरू से ही फैसला करना होगा वो है कि हम किस किस्म और आकार की सरकार चाहते हैं, उसकी बनावट क्या होगी, क्या ऐसी सरकार होगी जिसमें जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होगी या अमेरिका की तरह जहां सदर की ज्यादा अहमियत होती है और अपने मंत्री वो संसद से नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से बाहर से नियुक्त करता है. इस मसले पर काफी गौर और बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए उचित नहीं रहेगा, अवल इसलिए कि हम मंत्रिमंडल पर जोर देना चाहते हैं और जहां जिम्मेदारी भी संसद काबीने और मंत्रियों की होगी ना कि राष्ट्रपति की. मगर साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति महज एक सजावट का औहदा रहे. अब इसके बावजूद हम एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए उनका चुनाव कराएंगे और ऊपर से उन्हें कोई असली जिम्मेदारी भी ना दें तो बड़ा अजीब सा मामला बनेगा. अलावा इसके कि तमाम वक्त और लागत इस कवायद पर सर्फ होगा, सच पूछिए तो मैं खुद डेमोक्रेटिक तरीके के हक में हूं मगर कभी कभी ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके गैर जरूरी भी साबित होते हैं. और अगर हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराएंगे तो हमारा सारा वक्त इसी में जाया हो जाएगा कि बस हम चुनाव ही चुनाव और उसकी तैयारी करते रहे और किसी और काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा. पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि असल में तो अच्छा होता अगर राष्ट्रपति किसी पार्टी किसी दल का ना होता, पर शायद व्यावहारिक रूप से यह संभव ना हो पाए. पर इतना आवश्यक है कि
कि चुने जाने के बाद राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरी निष्पक्षता से सारे देश और संविधान का रखवाला हो जाए। आज भी यही परंपरा जारी है। उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में कुछ शंकाएं अभी भी थीं। राव साहब, द क्वेश्चन इज कि क्या राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए बिलों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा या नहीं होगा? इन माई ओपिनियन, नो। और अगर वो बिल संविधान के खिलाफ जाता हो तब भी ये बात लागू होगी? सर, इफ द प्रेसिडेंट इन सम पर्टिकुलर केस वेयर हिज व्यू डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट एक्सेप्ट्स देयर व्यूज इन डेफरेंस ऑफ द कन्वेंशन एंड दैट एक्ट शुड रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट लाइज विद द मिनिस्टर्स एंड नॉट विद द प्रेसिडेंट। और अगर नो पार्टी हैज ए मेजोरिटी इन द हाउस और ऐसी कोलिशन सरकार चुनाव हार जाती है तो क्या तब भी प्रेसिडेंट को उस मंत्रिमंडल की सुननी पड़ेगी बनिस्पत इसके कि वो उसको डिसॉल्व करके एक नए प्रधानमंत्री को खड़ा कर सके? दैट इज अ डिफिकल्ट वन सर, बट आई थिंक दैट अ डिफीटेड मिनिस्ट्री हैज नो राइट टू बी एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो प्रधानमंत्री जो खुद जनता का विश्वास खो चुका है राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सलाह नहीं देता तो क्या राष्ट्रपति उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सदन को भंग कर सकता है? यस, इन सच सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट मे सेलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हु इज एबल टू कैरी पार्लियामेंट विद हिम। मैं बस यही दुआ करूंगा कि कभी किसी राष्ट्रपति के सामने ऐसी नौबत ना आए कि उसे कभी कोई ऐसा दिन देखना पड़े। मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों से चुना जाए या मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए या मंत्रियों को अमेरिका की तरह चुने जाने की जरूरत ही ना हो और वो केवल सरकार के मुखिया की मर्जी पर मंत्री बन सके, इस बात पर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हुई दिसंबर 1948 में। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई बेग टू मूव कि कैबिनेट में 15 मेंबर होने चाहिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपने आपस में से चुनेंगे और इन 15 मेंबर में से फिर आपस में प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। दोनों चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा जिसमें एक ट्रांसफरेबल वोट हुआ करेगा। मैं ये और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की डेमोक्रेसी उस सिस्टम में पाई जाती है जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, असल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। आइंदा की सियासत का मेरा तस्वुर है नॉन पार्टी पॉलिटिक्स। सर, स्विट्जरलैंड में जब पार्लियामेंट के मेंबर का चुनाव होता है उसके बाद वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स का भी आपस में चुनाव करते हैं। वहां एक पार्टी को सरकार बनाकर दूसरी पार्टियों को दबाना या उन्हें सताने का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कोई देश है या कोई शानदार अंतरराष्ट्रीय होटल? यू नीड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन मिस्टर महबूब अली बेग। द नेक्स्ट अमेंडमेंट is in the name of Professor K.T. Shah. Sir, I move ki Article 61 ke clause 1 mein with the Prime Minister at the head ko hata dena chahiye. Pradhan Mantri ko Samvidhan ke daire se bahar rakhne ka ye karan nahi hai ki main Pradhan Mantri ke pad ke hi virudh hu. Britain ke Samvidhan mein aaj bhi प्रधानमंत्री का कोई स्थान नहीं है और प्रधानमंत्री को जो भी सामाजिक और शासकीय सम्मान और स्थान मिलता है वो इस वजह से कि उसके पास मंत्रिपरिषद का विश्वास है, न कि इसलिए कि संविधान उसे यह हक देता है। क्या मैं प्रोफेसर शाह से यह जान सकता हूं कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बर्तानिया के आईन में वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है, पर क्या यह हकीकत नहीं है कि बर्तानिया के आईन में वजीर आजम का वजूद एक हकीकत है? मैंने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के पद को ही निरस्त कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि संविधान में हमें कैबिनेट के सारे मंत्रियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए और किसी को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।
इससे कैबिनेट की जिम्मेदारियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी जो अभी वहां नहीं है। मुझे यह भी प्रस्ताव रखना है कि जब भी कोई मंत्री और खास करके प्रधानमंत्री बदला जाए तो उसे पूरे संसद के सामने प्रस्तुत किया जाए और उस व्यक्ति पर सदन का विश्वास मत लिया जाए, और यदि कोई यह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे तो उसे तुरंत हटाकर उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए, और अगर पूरे मंत्रिपरिषद को ही सदन का विश्वास ना मिले तो पूरे कैबिनेट को ही निरस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। जाहिर है ऐसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहस बहुत बाद तक जारी रही और सन 1948 के अंत में संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह ने एक अनुमोदन प्रस्ताव के जरिए फिर से ये मुद्दा उठाया। सर, मेरा अभी भी यही विचार है कि हम बहुत बेहतर व्यवस्था बनाएंगे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे सारी वयस्क जनता के वोट से करें, ना कि उस तरह घुमा फिरा के जैसा कि हम करने की सोच रहे हैं। आखिर यह भी तो सोचिए कि आपकी संसद कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव एक सुनिश्चित अवधि के लिए होगा। इसीलिए मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। सर, द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द हाउस इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन नॉट डायरेक्टली बट बाय द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, एंड इन कॉन्सनेंस विद दैट प्रिंसिपल द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव वाइजली मेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉट अ डायरेक्ट वन एज प्रोफेसर शाह एनविसाजेस। सर, the whole question turns upon one issue, that is, who is going to be responsible to the people of the country with regard to the administration? A president coming through the direct vote as such has an independent existence outside the sphere of the parliament. And sometimes, as honorable members may have seen, conflicts do arise between the parliament and the president. Sir, it makes the smooth working of the machinery very difficult. The Union Committee has given due attention to this question, and therefore, the amendment may be rejected. Sir, turning to the amendment of Professor K.T. Shah, the matter in my judgment requires to be considered by the point of view of the size of the electorate. Let me give the House some figures of the total electorate that would be involved if we accepted Professor Shah's amendment. So far as the figures are available, we altogether are 317 million people for the whole territory of India. Assuming that the adult franchise entitled to vote will be about 50% of the whole population, the electorate will consist of 158.5 million, that is 15 crore and 85 lakh voters. Let me give figures involved in the American elections. The total electorate involved subject to correction is 75 million. That is less than half of what we are talking about here. The size of the electorate, therefore, in my judgment, forbids us from adopting adult suffrage in the matter of presidential election. We have provided that the president shall be elected by the members of the legislatures of the states and the two houses of the parliament who themselves are elected by adult suffrage. I therefore oppose the amendment. Aur yun tay hua भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का मसला, पर कार्यपालिका के दूसरे पक्षों को लेकर बड़ी बहसें हुईं। अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे चाहते थे कि एक नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सरकार बनानी चाहिए और मंत्रिमंडल का चुनाव धर्म जाति के अनुपात में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किया जाना चाहिए। खुद कांग्रेस पार्टी के दलित नेता भी चाहते थे
कि अल्पसंख्यकों और हरिजनों को मंत्रिमंडल में आरक्षण दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस बारे में एक पर्चा ही तैयार कर डाला। द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम टू इंडिया विल मीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। Application of British parliamentary system to India will mean that the cabinet is formed by the majority party. Although in England this would mean a political majority, in India it will be... In India, the majority is a communal majority. No matter what social and political programs it may have, the majority will always retain its character of being a communal majority. Aage. The majority in Britain is under no obligation to bring representative of the minority communities into the cabinet. But in India, this will be wrong. No. Likho. In India, it will be forever threatening and prove a menace to the life, liberty, and pursuit of happiness of minorities in general and untouchables in particular. It would make the majority community a governing class and the minority community a subject race. अब इसे प्रिंट करने के लिए भेज दो। जी सरदार, मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब की तो बात समझ में आती है, लेकिन आप अपने जगजीवन बाबू भी चाहते हैं कि कैबिनेट में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाए। माइनॉरिटी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात मानी नहीं गई, इसलिए घुमाकर कान पकड़ना चाहते हैं और क्या। पर उन्हें इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि डेमोक्रेसी में खुद लोग ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ और नुमाइंदगी सरकार को मिले। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी यही कहा है कि जहां तक मुमकिन हो राष्ट्रपति को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट में अलग अलग ग्रुप्स और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पर ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं और सब कमेटी में वोट की जीत करेंगे। पार्टी की तरफ से व्हिप जारी करना होगा इस बारे में। बात बात पर व्हिप जारी करना ठीक नहीं है। प्रस्ताव पर वोट होगा तो देखा जाएगा। जब डेमोक्रेसी अपनाई है तो वोट से क्या डरना। लेकिन एक बात जो सबको समझनी चाहिए, किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे टैसेट कन्वेंशंस के लिए भी छोड़ना चाहिए। मैं यहीं ठहरता हूं, आप अपनी दौड़ पूरी कर आइए। हमें अपने आप, अपने मुल्क और अपनी सरकार पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। कार्यपालिका में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में 7-8 वोटों से खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे सभी ने इस व्यवस्था की अच्छाई और सच्चाई को देखा और 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की हिमायत की। A democratic executive must satisfy 2 conditions. 1, it must be a stable executive. And 2, it must be a responsible executive. Unfortunately, it has not been possible so far to devise a system which can ensure both in equal degree. What the draft constitution proposes is the parliamentary system. The draft constitution places a functionary at the head of the Indian Union, who is called the President of the Union.
the President of the Indian Union will be generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing contrary to their advice. The ministers under the Indian Union are members of Parliament. Only members of Parliament can become ministers. अगर हम अपने यहाँ नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को लेकर आए तो कैबिनेट के लोग नेशा खातिर होकर आराम से अपना काम कर सकेंगे, वरना अपने वजूद के लिए अपने हिमायतियों के रहमो करम पर रहना पड़ता है, और इसीलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में सरकार कमजोर पड़ जाती है और वजीरों को अपने फिरके, कौम या जात के हिमायतियों के भरोसे पे कायम रहने पर मजबूर होना पड़ता है। सर, प्रजातंत्र का अर्थ है ऐसे बहुमत का राज जिसमें स्वतंत्र और मुक्त रूप से वोट दिए गए हों। पर हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि वोट स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि कुछ लोगों के प्रभाव में डाले जाते हैं, और जैसे ही वोट प्रभावित हुए प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है। सर, इसीलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए। संसदीय प्रणाली में विभिन्न पार्टी के लोगों को भरमा के वोट हासिल करते हैं ताकि बहुमत पाके अपनी सरकार बना सके। सर, यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बात है, और हमें साफ दिखाई देता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों को ही खुश करने के लिए सारे काम करते हैं, सारे। पर प्रोफेसर केटी शाह और कई दूसरे लोग संविधान में सोचे गए तीन स्तंभ, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका के सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे। उपसभापति जी, सर, आई बेग टू मूव संघ के मुख्य अंगों संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होना चाहिए। सर, मेरे विचार से ये एक चीज सारी दूसरी बातों से अधिक महत्व की है, अगर हमें सिविल लिबर्टीज और रूल ऑफ लॉ को बचाना है। ये बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी शक और शुबे के दायरे से ऊपर रहे, और इसीलिए उसे किसी भी प्रदूषण से बचाना जरूरी है। उम्मीद है मेरी खरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी। न्यायपालिका को किसी भी राजनैतिक पूर्वाग्रह की छूत से भी बचना होगा, और हर राजनैतिक पार्टी में यह बीमारी होती ही है। यही तर्क थोड़ा सा बदलकर संसद और कार्यपालिका पर भी लागू होता है। कार्यपालिका अगर चाहे तो संसद को भ्रष्ट कर सकती है। कार्यपालिका संसद सदस्यों को पोस्ट और मंत्री पद के तोहफे देकर उनके वोट खरीदने की ताकत रखती है। पश्चिम से आई जिस पार्लियामेंट्री व्यवस्था को हम अपनाने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रोग यही है कि किसी को पद देते समय यह देखा जाता है कि वो वोट कितने ला सकता है, न कि ये कि वो देश और समाज की सेवा कितनी कर सकता है। अभी से आने वाले मंत्रियों पे आरोप मत लगाइए। मुझे पता है कि मेरी आवाज यहां नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह है, पर फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और यही कहूंगा कि हम कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं डाल रहे हैं। हम सबके लिए और देश के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिकड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। पर दूसरों के ख्याल भी दूसरे थे। सर, आई अपोज द न्यू क्लॉज। माई मेन रीजन इज दैट दिस हाउस इज वेडेड टू अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस न्यू क्लॉज इज आउट ऑफ प्लेस इन सच अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यदि उन पर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अंबेडकर अमेरिकन तंत्र को ही पसंद करते, और बहुत हद तक मैं उनसे सहमत भी हूं कि हमारी मौजूदा संसदीय प्रणाली में बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमने कितने ही सूबों में देखा है कि
कैसे राजनीतिक पार्टियों के मंत्री चार चार पांच पांच सदस्यों के दलों को घूस देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बहुमत और उनकी सत्ता बनी रहे। शायद ये हमारी गुलामी है कि हम ब्रिटिश सरकार के तंत्र को अपनाने में ही लगे हुए हैं, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। यदि ऐसा ना होता तो हमने अमेरिकन सिस्टम को अपनाया होता। वहां जुडिशियरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वहां की संसद देश के भले के लिए कोई भी कानून पास कर सकती है और उस कानून को मानना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है, जबकि हमारे संविधान में सदन के नेता को पूरी संसद से बहुमत लेना पड़ता है और संसद सिर्फ उन्हीं कानूनों को पारित करेगा जो बहुमत वाली पार्टी को सही लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद अमेरिका में पढ़े थे, पर उन्होंने अमरीकी संविधान की कमजोरियों की तरफ सबकी नजर मोड़ी। देयर इज नो डिस्प्यूट व्हाटसोएवर दैट द एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी। विथ रिगार्ड टू द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, इट इज ट्रू दैट सच अ सेपरेशन डज एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बट इफ माई फ्रेंड प्रोफेसर शाह had read some of the recent criticisms of that particular provision of the Constitution of the United States, he would have noticed that many Americans themselves were quite dissatisfied with the rigid separation embodied in the American Constitution between the executive and the legislature. Shri K.M. Munshi, Dr. Ambedkar ki himayat mein khade hue. Do karyapalikaon ke beech, yani ke ek अमेरिकन मॉडल और दूसरे ब्रिटिश मॉडल के बीच चुनाव का सवाल ही कहां उठता है। ब्रिटिश मॉडल को ही सबने चुना है, सबने उसकी तारीफ की है, यहां तक कि खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि यही कार्य प्रणाली आज के मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक समाज के लिए बेहतर है। इसके अलावा हमें यह महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले कमोबेश 100 सालों में हिंदुस्तान में हमने ब्रिटिश संविधान के कानून को ही मानकर काम किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस धीरे धीरे पार्लियामेंट्री ही बन गए। फिर क्यों हम अपने 100 सालों के अनुभव और रवायत को छोड़कर किसी ऐसे कानून को अपनाने की कोशिश करें जो खुद सिर्फ 150 साल पहले बनाया गया था और आज भी जिस पर अमेरिका में भी सवाल या निशान लगते रहते हैं। इसलिए मैं यह दोहराना चाहूंगा कि प्रोफेसर शाह के द्वारा प्रस्तावित स्कीम को ना तो इस हाउस ने माना है ना कहीं और इसके अच्छे नतीजे निकले, और ऊपर से यह हमारे हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है ही नहीं। अतः मैं कहूंगा कि ऐसे अनुमोदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए, यही सही होगा। प्रोफेसर के टी शाह के बहुत से और बहुत अच्छे सुझाव थे, जैसे कि हर मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर श्री महावीर त्यागी ने तर्क दिया कि अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी में से कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर सब बहुत कुशल शासक साबित हुए, तो फिर हमारे मंत्रियों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। प्रोफेसर के टी शाह ने यह भी कहा कि हर मंत्री को मंत्रिमंडल में आने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, पर डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि फिर तो मंत्रिमंडल छोड़ते समय भी ब्यौरा देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर संपत्ति में कोई वृद्धि हुई है तो कैसे हुई है, और ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ का अंदेशा है तो उस मंत्री को क्या सज़ा देनी चाहिए। उस समय तो ये प्रस्ताव नामंजूर हो गया, पर आज लगता है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो शायद अच्छा होता। पर बात सिर्फ कार्यपालिका की ही नहीं थी, संसद के स्वरूप, अधिकारों, कर्तव्यों, कार्यकाल और नाम तक को लेकर खूब चर्चा हुई। सो आई बेग टू मूव दैट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द फेडरेशन शैल बी वेस्टेड इन द पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द नेशनल असेंबली कंप्राइजिंग टू हाउसेस, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। It seems so that it is unnecessary to have this expression National Assembly coming between the Parliament and the two houses. It is therefore desirable to omit National Assembly.
सर, मेरा अमेंडमेंट है कि पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन के लिए हमें कांग्रेस ऑफ द फेडरेशन का नाम तय करना चाहिए। सर, जो आज़ादी हमने पाई है वो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परचम तले ही मिली है, और कांग्रेस का नाम हमारे संविधान में भविष्य के लिए अमर हो जाना चाहिए। कुछ अरसे के बाद बेगम साहिबा एजाज रसूल ने भी यही बात सभा के सामने रखी। जनाब सदर साहब, आई बेग टू मूव कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का नाम हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस रखना चाहिए, और इसमें एक प्रेसिडेंट हो और दो सदन हो जिनके नाम हो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल, सूबों की सभा और जनसभा। ये प्रस्ताव रखने वाले सारे सदस्य गैर कांग्रेसी थे, किंतु कांग्रेस के श्री अनंत सयनम अयंगार ने बड़े पते की बात की। सर, इट इज द कांग्रेस विच फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, देयरफॉर दीज फ्रेंड्स, दो दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, नेवरदलेस recommend that it should be associated with the name of the parliament of the union. However laudable this may be, it would lead to the accusation that the Congress has established one party rule in the country and it has even lent its name to the parliament of the union. Sir, if accepted, this may prove to be the death knell of the Congress. It would no longer be able to function as a political party which can fight reactionary parties. These parties which are raising their heads today and are mostly based on caste, community and religion. यूं संसद के दो सदनों के नाम रखे गए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। इन सदनों की मियाद को लेकर भी कई मत थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रखा था, किंतु पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चहेते आयरिश क्रांतिकारी प्रधानमंत्री एमन डी वलेरा ने कहा कि 4 साल का वक्त चुने गए सांसदों के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि पहला साल तो सदन का कामकाज समझने में ही निकल जाता है और आखिरी साल चुनाव की तैयारी में। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल कम अज कम 5 साल का होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया, जिनमें से हर 2 वर्ष पे सिर्फ 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ताकि ये सदन एक निरंतर धारा के रूप में चलता रहे। कार्यपालिका और विधान मंडलों के बाद आइए नजर डालते हैं तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर। मैं जस्टिस वरदाचार्यार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं है, फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन और पावर्स को तय करने वाली एडहॉक कमेटी की सदारत स्वीकार करी है, क्योंकि अब आने वाले भविष्य में हमें अपने एक उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल श्री वरदाचार्यार जी टू प्लीज टेक ओवर। थैंक यू मिस्टर मुंशी। इट इज माई प्राउड प्रिविलेज टू बी वर्किंग विथ all of you esteemed members of the Constituent Assembly on the question of creating a new superstructure that we will need now. Fortunately, at the level of lower and higher courts, we have inherited a well-constructed and smoothly functioning sound judicial system from the British. But now, we have to give thought to the establishment of a Supreme Court where the judgments of high courts could be brought to appeal. This apex court will also have to play the roles of an adjudicator between the provinces and the princely states when needed. My old friend from Madras High Court, where I served as a judge for some time, Alladi Krishnaswamy Iyer, is here. I know that he has given judicious thought to these issues. Mr. Iyer. Thank you, Your Lordship. Old habits die hard. That is how I've been addressing Sri Vardacharyar for many years now. But I also know that we are here precisely to break old habits and make new conventions. Now, this new body, this Supreme Court, this whatever we may decide to name this APEC constitutional body,
apart from being the highest platform for appeals, will have in its power and purview the necessary means to safeguard fundamental rights of every citizen of free India. That soon we will have. And unlike the Privy Council, this Supreme Court should also have the mandate and the authority to examine the constitutionality of any legislation that our Parliament may make in the future. Supreme Court na sirf hamare samvidhan ka rakhwala aur khair kha hoga, balki wo har Bharatiya ko wo saman adhikar bhi pradan karega, jiske liye sadiyon se angrezon ki adhinta aur rajwadon ki gulami mein hum taraste rahe. हमारा उच्चतम न्यायालय उस सामाजिक क्रांति का वो धारदार हथियार भी होगा जो पुरानी बेड़ियों को काटकर हमें मुक्त करेगा. एंड येट दिस सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट बिजी इटसेल्फ ओनली विद द राइट्स डिबेट. इट मस्ट नॉट कंसर्न इटसेल्फ ओनली विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल बट इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप क्रिमिनल अपील्स सिविल केसेस एंड फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल. Only then will it become our Supreme Court in the real sense of the term. यूं नींव पड़ी एक नई न्यायपालिका की, पर जहां तक संसद और न्यायपालिका के बीच के अंतर संबंधों का सवाल था और दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा का प्रश्न था, 13 दिसंबर 1948 को एक बड़े पते की बात की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. Now to the question of the relationship between the legislature and the judiciary. In a federal constitution, it is always open to the judiciary to decide whether any particular law passed by the legislature is ultra vires or intra vires. In other words, the judiciary would be endowed with the authority to question the law, not merely on the ground whether it was in excess of the legislature's authority, but also on the ground that whether the law was a proper law. It may be a perfectly good law, but if it violates the fundamental principles, the judiciary would have the power of declaring it invalid. For myself, I cannot omit the possibility of a legislature packed by party men making laws which may abrogate and violate the fundamental rights affecting the life and liberty of an individual. At the same time, I do not see how 5 or 6 gentlemen sitting in the Supreme Court examining laws made by the legislature by dint of their own individual bias and prejudice be trusted to determine which law is good and which is bad. It is a case where a man has to choose between the devil and the deep sea. I therefore would leave it to the House to decide either way it likes. संविधान सभा ने तय पाया कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही लोकतंत्र के लिए बराबर महत्व के हैं और इसीलिए जुडिशरी की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा. ये जिम्मेदारी सीधे राष्ट्रपति की होगी जो चीफ जस्टिस के सुझाए नामों को इन अदालतों में नियुक्त करेंगे. इसी बात को एक बार फिर 24 मई 1949 को श्री बी पोकर साहब बहादुर ने सभा के सामने साफ साफ रखा. I submit, sir, the views expressed by the Federal Court and the Chief Justice of the various High Courts assembled in conference are entitled to the highest weight before this assembly. It is of the highest importance that the judges of the Supreme Court should not be made to feel that their existence or their appointment is dependent upon political considerations or on the will of any political party. Therefore, it is essential that there should be sufficient safeguards against political influence being brought to bear on such appointments. Therefore, I submit, sir, that it is of the highest importance that the President must not only consult the Chief Justice of India, but also obtain his concurrence on the appointment of his colleagues, the judges of the Supreme Court. It cannot be denied that the judiciary should be above all political parties
and above all political consideration. इन सारे नियमों के बन जाने और न्यायपालिका का स्वरूप तय हो जाने के बाद विद्वान वकील और संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक श्री अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा को संबोधित किया। अरे बैठिए बैठिए, आप बैठकर ही बोलिए। The Constitution has accorded the proper place to the judiciary as it should be in a written and especially in a federal constitution. The Supreme Court in India, under the Indian Constitution, as this House is aware, has wider powers than the highest court in any known federation, including that of the United States of America, where the Supreme Court is not a general court of appeal. It is the ultimate arbiter in all matters involving the interpretation of the Constitution. While there can be no two opinions on the need for maintenance of judicial independence, both for safeguarding of individual liberty and the proper working of the Constitution, it is also necessary to keep in view one important principle. The doctrine of independence is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive. Sir, my friend, Mr. Alladi Krishnaswamy Iyer, pointed out, and rightly so, that the judiciary should not place itself as an imperium in imperio. Of course, there is always that danger also. When people talk of separation of power, this separation of power may be made in such a way that the judiciary may be invested with immense power, that it might eventually lead to the breakdown of the government of the day, which I believe is not the case in our constitution. Dr. Ambedkar ka sapna tha ki ek aisi samagra nyayapalika bane jo diwani, फौजदारी और संवैधानिक हर तरह के मुकदमे में सबको कानूनी उपचार और न्याय दे सके और इस तरह देश की एकता को कायम रखने का काम कर सके। आज वो सपना एक हकीकत है। कुल मिला के विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका की इस त्रिवेणी ने एक ऐसा बेजोड़ अटूट जाल बुना, सीमलेस वेब, जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने, बांधने और पालने का काम कर रहा है।